टनल से होकर गुजरता है। इस टनल के साइड में एक और टनल बनाई जाएगी ताकि यातायात आवागमन विभाजित रहे। इस एक्सप्रेसवे का तकरीबन 4 किलोमीटर का हिस्सा उत्तराखंड में है, जिसका ज्यादातर भाग सामान्य भूमि तल से ऊंचा रहेगा ताकि अंडरपास के द्वारा वन्य जीवों का आवागमन बना रहे। 6 लेन 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भारत वर्ष में ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, जो अपने आप में एक मिसाल है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण में भूमि अधिग्रहण एवं पर्यावरण समर्थन प्रक्रिया अग्रिम चरण में है। वन एवं वन्य जीव प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। मार्च 2021 तक कार्य अवार्ड और 2 साल की अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण करना प्रस्तावित है। दिल्ली से देहरादून की मौजूदा दूरी 235 किलोमीटर से लगभग 25 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय, जो वर्तमान में औसतन 6 घंटे 30 मिनट का है, उसके मुकाबले लगभग 2 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। निश्चित तौर पर यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को नया आयाम देगा, रोजगार देगा। इसके साथ उत्तराखंड के टूरिज्म को एक नई दिशा प्रदान करेगा। आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का परमिशन दे दिया गया है, जिसमें कि 6.5-7 घंटे से जो डिस्टेंस लगता है वो घटकर 2.5 घंटे पर आ जाएगा। इससे पूरे के पूरे उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल एक तरीके से बदल जाएगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब टूरिस्ट जो है वो 2 घंटे में, यानी कि सैटरडे को मान लीजिए कि आपको उत्तराखंड घूमने की इच्छा है, सामान पैक कीजिए, गाड़ी में बैठिए और निकल लीजिए। तो ये उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।